हेलो गाइस, तो फिर क्या आपका नीट 2021 के लिए कोई प्लान बना लिया आपने कि आप कैसे आगे सिलेबस को कंटिन्यू करने वाले हो? बिकॉज आपको पता है सिर्फ 50 दिन बाकी है, ऑलमोस्ट 50 दिन बाकी है। बिना स्ट्रेटेजी के काम चल सकता है क्या? बिना स्ट्रेटेजी के, लाइक आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगी बिना सर पैर की, कि भाई बिना स्ट्रेटेजी के भी हो जाएगा, नहीं होने वाला। अगर आप सोच रहे हो कि भाई बिना स्ट्रेटेजी के चल लूंगा, भाई हमारे एजुकेटर ने या हमारे यूट्यूबर ने तो ये बता दिया कि बिना स्ट्रैटेजी के चलो, आराम से मस्ती में नीट निकल जाएगा, 650 क्यों नहीं 700 आ जाएंगे। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, बट लेट मी बी वेरी क्लियर, ये जहाज देख रहे हो, अगर इस जहाज के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगी, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा, तो ये जहाज सिर्फ है ना समंदर में घूमता रहेगा, इधर उधर जाता रहेगा। इसको एक डायरेक्शन चाहिए, एक सही मैप फॉलो करने की जरूरत है इसको, इसको एक सही मैप फॉलो करने की जरूरत है, इसको एक प्रॉपर प्लान चाहिए कि अपना रूट को कैसे एग्जीक्यूट करेगा। और समझिए, नीट की प्रिपरेशन में तुम भी इस जहाज पर हो, और बस तुम सोच रहे हो भाई राम भरोसे, भगवान भरोसे, जो भरोसे चल रही है तुम्हारी नाव, क्योंकि तुम्हारे यूट्यूबर दोस्त ने या तुम्हारे टीचर ने बोल दिया। प्लान ये क्या होता है? प्लान व्लान की जरूरत नहीं है, पढ़ते जाओ, बस बस पढ़ते जाओ, ऐसा नहीं होता है दोस्त। पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होने वाला, बिना स्ट्रैटेजी के कुछ नहीं होने वाला। स्ट्रैटेजी मस्ट बी साउंड इनफ। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है या प्लान नहीं किया, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है, आपको बताने के लिए कि आप कैसे प्लान कर सकते हो। डेफिनेटली एक वीडियो में बहुत ज्यादा मैं नहीं करने वाला, थोड़ा आइडियाज आपको दे सकता हूँ इस वीडियो में, तो चलिए देखते हैं। प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि क्योंकि भाई प्लान होना जरूरी है। अगर आप अपने मार्क्स को ट्रैक नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आप को एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, तो भाई तब तो दिक्कत ही है ना। आप खाली बस मेहनत करते जा रहे हो, आपको पता ही नहीं आपका डायरेक्शन क्या है। आपको सबसे पहले क्या करना है, प्लान को लिखना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लान यार, ये प्लान होता क्या है, मतलब प्लान क्या करूं मैं? मेरे को पता है मेरे को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो इसमें प्लान काहे का, क्या प्लान है? एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूं, अगर मेरे को अज्यूम करता हूं मेरे को फिजिक्स में कोई चैप्टर मेरे को पढ़ना है, तो मेरा प्लान क्या होना चाहिए कि हाँ भाई कल मैं सुबह उठ के मेरे को ग्रेविटेशन करना है, तो मैं ग्रेविटेशन का मैं एक बार एक काम करूंगा, कोई भी एक रैपिड रिविजन वीडियो देख लिया, अगर मेरा वीडियोस देखे हुए हैं, मेरे पास उसके नोट्स है, मैं एक बार नोट्स को गो थ्रू कर दिया, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जल्दी जल्दी से 1 घंटे के अंदर नोट्स को गो थ्रू किया, उसके बाद उसके कुछ न्यूमेरिकल्स बनाऊंगा। कौन से न्यूमेरिकल्स बनाऊंगा? जो मेरे लास्ट टाइम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन गलत हुए थे। अगर मेरे पास, मैंने कभी खोला ही नहीं है ना PYQ, मान लो नहीं खोला, पहली बार खोल रहा हूं, तो मैं बोलूंगा एक काम करता हूं, पहले फिंगर टिप्स कर लेता हूं, फिर PYQ कर लूंगा। तो इस हिसाब से मैं सेगमेंट में डिवाइड कर लिया कि मैं सुबह उठूंगा, मेरे को सुबह 12 बजे से पहले ये काम खत्म करके रखना है कि ग्रेविटेशन, अगर मैं सुबह 7-8 बजे उठ जा रहा हूं, तो मैं शुरू करने वाला हूँ ग्रेविटेशन से, आधे घंटे 1 घंटे के अंदर जल्दी जल्दी रिविजन करना है। तुमको वापस से शुरुआत भी नहीं जाना है कि ओ व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, बिकॉज तुम एक बार देख चुके हो यार उसको ऑलरेडी। टाइम आपके लिए, अगर आपने इस चैप्टर को ही नहीं पढ़ा तब थोड़ा टाइम आप दे सकते हो, अदरवाइज आपको जल्दी करना पड़ेगा। ये प्लान कब करना है आपको? ये जो प्लानिंग है ना इतना बड़ा चौड़ा मैं बता रहा हूँ, ये आज रात को बैठ के बनाना है तुम्हें। ओके, तो सबसे पहले तुम्हें थोड़ा थोड़ा लिखना है, राइट डाउन लिटिल थिंग्स। तुम एक पीस ऑफ पेपर ले लो, या फिर अगर तुम्हारे घर में व्हाइट बोर्ड लगा है तो कल के लिए प्लान लिखना स्टार्ट कर दो। व्हाइट बोर्ड पे लिख लीजिए जो आपके सामने दिखे, या जो आप पेज पर लिख रहे हो उसको स्टिक कर दो तुम्हारे वॉल पर। हाँ, घर वाले चिल्लाएंगे अगर आप दीवारों पर ऐसे हर जगह कहीं भी स्टिक कर रहे हो, लेकिन एक काम करिए, या आप जरूर करिएगा, वो कॉपी में लिख के उसको बंद करके मत रख दीजिए। कल का प्लान आपके सामने होना चाहिए कि आपको क्या क्या करना है, बिकॉज जितना आपका गोल आपके सामने दिखता है आपको, आप उतना ज्यादा उसके तरफ और अट्रैक्ट होते हो और ज्यादा मेहनत करते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारी बुक्स एंड ऑल सब वीडियोस में कहा गया है, तो ये रिसर्च के थ्रू बताया गया है। बिकॉज आई नो दैट यार मैक्सिमम पीपल है ना क्या करते हैं, थोड़ा सा प्लान बनाया, बहुत लंबा चौड़ा एकदम मस्त लिख दिया कि मैं एक दिन में सब कुछ करने वाला हूँ, और उसके बाद क्या हुआ, एक दिन हो गया, रात आते आते बोला जाओ फेल हो गया मेरा प्लान। अब मैं एक काम करता हूँ, छोड़ो यार प्लान व्लान से नहीं पढ़ाई होती है मेरे से, मैं नॉर्मली पढ़ाई करूंगा। तो देखो यहीं पर ये गलती हो गई ना आपसे, आपने प्लान्स लिखे बट सही तरीके से नहीं लिखे। इसीलिए मैं बोलता हूँ स्टार्ट राइटिंग लिटिल, थोड़ा लिखिए जितना एग्जीक्यूट कर पाओ। बड़ा चढ़ा के लिखने कोई नहीं बोल रहा है आपको कि एक दिन में पूरा नीट का सिलेबस खत्म करने वाला हूं। बी वेरी 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 कॉशियस गाइस, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब चीज, आपको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्त, क्योंकि लास्ट टाइम ही है जो आपको बना सकते हैं या रिजल्ट को बिगाड़ सकता है, याद रखिएगा। बी प्रैक्टिकल, सीधी बात बता रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट, बिना स्ट्रैटेजी के आगे क्या करोगे पता है कुछ? बिना स्ट्रैटेजी के वीडियो देखते हो खाली, ओ विदाउट स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी का क्या फायदा, क्या फायदा?
अरे भाई बिना स्ट्रेटेजी के तुम आगे कैसे बढ़ने वाले हो? एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछ लूं ठीक है कि तुम्हें दिल्ली जाना है, तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है, तुमने ना टिकट कटाई ना कुछ कटाई, बोले चल जाएंगे यार, भगवान बोले हैं जाने को, निकलते हैं देखते हैं कोई रास्ते में मिले हेल्प लेते जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको हर चीज को प्लान करना पड़ता है, इसीलिए बोल रहा हूँ ना प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा। लेकिन प्लानिंग में बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, 1 घंटे तक प्लान ही बनाए जा रहे हैं, 1 घंटे तक। भाई 1 घंटे तक प्लान नहीं बनाना है आपको, अगर आप कल के लिए आज प्लान बनाने बैठ रहे हो मोर देन 15 मिनट देना ही नहीं है। 15 मिनट के अंदर राइट दैट डाउन, फिजिक्स में ये करूंगा, बायो में ये, केम में ये, अगर आपके लेक्चर्स चल रहे हैं आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के, तो आप उसको भी इनकलकेट कर लीजिए प्लान में कि हाँ भाई आपका लेक्चर्स इतना देर के, उसके बाद आप ये करने वाले हो। याद रखिएगा आपको स्पेसिफिक होना है प्लान्स के लिए कि हाँ आपको ये चीज खत्म करनी है, ऐसे नहीं कि वेग में लिख दिया कि मैं फिजिक्स में कर लूंगा, ये फिजिक केमिस्ट्री में कुछ तो कर ही लूंगा, वो नहीं होना चाहिए। बी स्पेसिफिक इन योर प्लान, याद रखिएगा, और हमेशा अपना अगला दिन को प्लान करिए। ऑब्वियसली अगर तुम आज बैठ के सुबह उठ के, अब जहां पे तुमको प्रोडक्टिव होना चाहिए, तुम वहां पे बैठ के सोच रहे हो क्या करूं आज, आज क्या करना चाहिए, तो भाई ऑब्वियसली यू आर किलिंग योर टाइम, राइट? आप इससे पहले, जैसे बोलते हैं रात को सोने से पहले 15 मिनट निकालिए और उस चीज को प्लान करिए। प्लान करोगे तब तो जाके तुम अगले दिन उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे, और रात को एक इंटरनल मोटिवेशन रहेगी कि हाँ भाई कल का दिन उठना है मेरे को, सुबह सुबह ये करना है, उसके बाद ये करूंगा, लिख लीजिएगा। क्योंकि भाई अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे ना, तो गोल्स को कैसे क्लियर करोगे? और गोल्स को क्लियर करने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीज याद रखिए। बहुत लोग हो जाते हैं जो सोचते हैं नहीं भैया कर लूंगा, बस बिना प्लान के भी चल रही है गाड़ी। आज से पेन पेपर लेके बैठिए, लिखिए कि आपका दिन का इतना घंटा कहाँ जा रहा है, आप अगला दिन को कैसे प्लान करना चाह रहे हो, उस चीज को करिए, वो आपका रिजल्ट्स दिखाएगा नीट 21 में। यू कैन चेक आवर अर्लियर वीडियोस जिसमें मैंने बहुत सारे स्ट्रेटेजीज बताए थे, एंड मेनी पीपल लव दोज वीडियोस, आप जाके चेक कर सकते हो हमारे चैनल पे, या फिर प्लेलिस्ट उठा के देख सकते हो कि भाई मैं बायो में कैसे आगे बढ़ूं, भैया ने कुछ हेल्प किया बायो में, यस प्लेलिस्ट देखिए जाके, एनसीईआरटी बिफोर नीट, ठीक है? उसके अंदर 100% एनसीईआरटी का जूस निकाल के रख दिया गया है, ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर है वहां पे, आप जाके देखिए, उसमें डेली एड ऑन कर रहे हैं हम लोग वीडियोस, 20 मिनट हार्डली एक चैप्टर फिनिश, नीट से पहले बहुत फ्रूटफुल होने वाला है वो। नाउ लिख लीजिएगा, ऐसी वीडियोस में आपके और हेल्प करता रहूंगा, आप अपने प्रॉब्लम्स कमेंट कर सकते हो। याद रखो भाई बिना प्लान के कुछ नहीं होने वाला, प्लान करना जरूरी है। अगर कोई बंदा बोलता है आपको कि ना भाई बिना प्लान के सब कुछ हो सकता है, तो भाई उसे बोलो तुम्हारी स्ट्रेटेजी कहाँ है फिर? कोई स्ट्रेटेजी बोल के नहीं है, प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। प्लानिंग कैसे करना है मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, कोई और दिक्कत हो आप मुझे जरूर बताइए कमेंट करके। आई विल बी मेकिंग सम अदर वीडियोज फॉर यू पीपल। थैंक यू सो मच।